नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या सच में लोगों को भगवान के दर्शन हो जाते हैं, और अगर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है। दोस्तों, किसी का सवाल भी था ये, और ये बहुत लोग क्लेम भी करते हैं कि वो भगवान के दर्शन कर चुके हैं और भगवान असल में उनसे आके मिल चुके हैं। बहुत से ऐसे गुरु भी हैं जो ये दावे करते हैं कि वो भगवान के दर्शन कराते हैं। बहुत से ऐसी संस्थाएं भी दावा करती हैं, बहुत से लोग भी दावा करते हैं कि उन्होंने साधनाओं में कोई भी जाप से, किसी भी उससे, पद्धति से ईश्वर के दर्शन कर रखे हैं, और अपने आप में बहुत प्राउडली लोग एग्जिबिट करते हैं, अरे मैंने तो भगवान के दर्शन कर रखे हैं, मैंने तो इस वाले भगवान के, मैंने तो उस वाले भगवान के, मैं तो उस लोक में होके आया, मैं फिर वहाँ वाले लोक में गया, मैंने तो वो वाला लोक भी देखा हुआ, उसमें क्या होता है। तो अजीब ही ये बात लगती है सुनने में कि आई डोंट नो अबाउट द परस्पेक्टिव ऑफ अदर्स, पर मेरा परस्पेक्टिव यही है कि अगर किसी ने वाकई में भगवान के दर्शन कर लिए होंगे, पहली बात जो घमंड है, जो दिखावा है, जो अपने आप में हमारी इंद्रियों की जो कमी है, जो हमारी इंद्रियां, हमारा जो चंचल मन, काम क्रोध मद लोभ मोह, इसी का त्याग नहीं हो पाया मात्र, ये छोटी सी इंद्री का, मद का, घमंड का, दिखावे का, एक छोटी सी नकारात्मकता का त्याग नहीं हो पाया ईश्वर को देखने के बाद, तो बहुत अजीब बात है। अगर बहुत लोग ऐसे हैं, अगर उन्हें अपनी पास्ट लाइफ भी याद आ जाती है ना, और वो पास्ट लाइफ को याद करके उस चीज़ से रिलेट भी कर लेते हैं, या जाके मिल लेते हैं कि हाँ ये हमारा पर्टिकुलर परिवार था, या घर वालों को बता देते हैं, वो खोज करके पता करते हैं, हाँ था ऐसा, ऐसा कोई मरा था, हाँ जी ये था, और वो चीज़ ओके हो जाती है, क्या बिल्कुल ठीक साबित होती है, वो लोग अपनी ज़िंदगी बदल देते हैं। और यहाँ बात उस पूरी कायनात को बनाने वाले की हो रही है, ये छोटी बात नहीं है, पूरी सृष्टि को बनाने वाले की बात हो रही है। उससे मिलने के बाद अगर आप उसके बावजूद भी आपके अंदर इस बात का घमंड है, इस बात का दिखावा है, मैं तो उस लोक में भी गया, मैं तो वहाँ गया, वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ, तो पता नहीं भगवान से मिलने के बाद भी आपकी इंद्रियाँ वैसी की वैसी ही रही, आपके अंदर बदलाव 1% का भी नहीं आया। माना तब जाए ईश्वर से मिलने की बात को, आई रियली डोंट नॉट ऑब्जेक्ट ऑन दिस थिंग कि कोई कह रहा है हम मिले हैं, कि मैं कहूँ कि यार नहीं तुम नहीं मिले हो, मिले होंगे, बट मज़े वाली बात जब ये है कि जब आप मिले और उसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी ही बदल डाली, ऐसा परिवर्तन अपने अंदर किया कि आपको लोग भगवान समझने लगे। कहते हैं ना, जिसकी संगत में आप रहते हो उसके जैसे हो जाते हो। हम मनुष्य हैं, हमारे लिए किसी की संगत का प्रभाव पड़ना वक्त लग सकता है, टाइम लग सकता है, पर ईश्वर ऐसी परम शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा का ऐसा बड़ा ब्रह्मांड है, एक ऐसी सुप्रीम सोल है वो, कि उससे मात्र साक्षात्कार करने से ही हमारे अंदर की जो कमी है वो दूर हो सकती है। हम वो ये ऐसी कॉन्शियस है जैसे कि वाकई में बच्चा अपनी माँ से मिला हो, आँखों में आंसू हैं, दिल में गहराई है, जैसे ना जाने के अपने सारे पाप कर्म अपने आंसुओं से ही आज धो डालेगा। वो जो परिवर्तन होता है वो अंदर से होता है, कि अपने अंदर रियलाइजेशन होने लगती है सोल को, कि मैंने बनाने वाले को देख लिया, मैंने इस पूरी कायनात के मालिक को देख लिया, मुझे पता लग गया मेरा पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ। ये रियलाइजेशन आने के बाद आदमी कंप्लीटली बदलता चला जाता है, फिर आप उसको रोक नहीं सकते। वो छोटे मोटे झगड़ों में, कलेश में, लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, गाली गलौज, इससे झगड़, उससे झगड़, उससे चीटिंग कर, उसका वो कर, इन सब में वो होता ही नहीं है, उसके पास वक्त ही नहीं है इन सब के लिए, क्योंकि उसको ये हकीकत पता लग जाती है कि अगर मैं ये सब करता रहूँगा तो यही रह जाऊँगा मरने के बाद भी, और फिर 84 लाख योनियों का जो सफ़र है वो भी इसी धरती पर ही चलना है। अगर जिससे साक्षात्कार किया, अगर मुझे उसको प्राप्त करना है, तो इस सब से निकलना होगा, इन सब बेकार की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना।
वो कोई मात्र ईश्वर की छवि कोई ऐसी छवि नहीं है, उसका स्पर्श ऐसा स्पर्श नहीं है, उसको सामने देखना कोई ऐसी वो नहीं है कि बहुत छोटी बात है। जिस तरीके से कोई बिछड़ी हुई प्रेमिका अपने प्रेमी को देखती है, दीवानी हो जाती है, इतने वक्त बाद, इतने सालों बाद देखा तब भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आज एक नई सुबह हुई है, जैसे ना जाने वो पुरानी जो मुलाकात थी वो दोबारा ताज़ा हो गई। बीच में जितने साल निकले वो याद भी नहीं, ऐसा लग रहा है कि मानो अब शुरुआत हो गई है। वो दीवानापन, वो कशिश, वो पागलपन बढ़ता ही चला जाता है। इसी भांति अगर आपने ईश्वर को वाकई में देखा, महसूस किया होगा, तो उसको पाने का दीवानापन, पागलपन इतना बढ़ता चला जाएगा कि आप बदल डालोगे खुद को। आपको परवाह नहीं होगी इस बात की कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा कि वो एक छवि में जब मैं इतनी दीवानी हो गई, तो जब उसको वाकई में पा लूंगी तब क्या होगा। ये सोच के ही आंखें भर जाती हैं आंसुओं से। उसकी खूबसूरती की बात कहूँ, उसकी सुंदरता की बात कहूँ, उसकी छवि की बात कहूँ, क्या एक महाकाव्य लिख दूँ उसके लिए, वो भी शायद कम है, क्योंकि लफ्ज़ ख़त्म हो जाएंगे। प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना आपस में, जब प्यार में आते हैं, सच्ची मोहब्बत होती है, तो एक दूसरे के प्रति मीठे शब्द, प्यार, इंतज़ार, करार, बरकरार, इकरार, ना जाने क्या क्या स्टेजेस से प्यार जो होता है गुजरता है। दीवानगी होती है, सिवाय उस इंसान के कोई चेहरा नज़र नहीं आता। दुनिया के लिए वो चेहरा बेकार हो, पर आपके लिए सबसे खूबसूरत होता है। इस ऐसी दीवानगी ईश्वर को पाने की, वो आपके अंदर वो कीड़ा पैदा करती है खुद को बदलने का। वो गाना मुझे याद आता है, बहुत खूबसूरत गाना है, जिस तरीके से जिससे मरने वाला जिंदगी चाहता है, इस तरीके से मुझे उसके शब्द याद नहीं आ रहे। हाँ, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। कितनी डीप इस इन लाइनों के मायने हैं। जो इंसान मर रहा है उसके लिए जिंदगी की चाहत कितनी कीमती होती है। उस चाहत से प्यार, उस चाहत के कंपैरिजन में वैसा प्यार किसी से करना बहुत लोग करते हैं भौतिक दुनिया में, पर वैसा प्यार ईश्वर से करना, वो जो आपके अंदर अगर बीज उत्पन्न हुआ उस तरीके के प्यार को करने का, तो एकमात्र छवि ईश्वर की देखने के बाद आपके पास वक्त ही नहीं होगा जी दुनिया को बताने का कि मैं उस लोक में गया था, मैं उस लोक में गया था, फिर वहाँ ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर इतने लोगों को हम लेके गए, फिर ये ड्रामे का आपके पास वक्त नहीं होगा। आपके पास सिर्फ वक्त होगा उस ईश्वर को पाने के लिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझे दोबारा दिखे, ऐसा मैं क्या करूं जो मुझे दोबारा मिले। जिस तरीके से एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए कहती है, मैं ऐसा क्या करूं, क्या मैं अपने आप को सुंदर बनाऊं, क्या मैं शोला सिंगार करूं, क्या मैं आज यहाँ जाऊं, आज मैं क्या वो मुझे मिल जाए दोबारा। बस कितनी दीवानगी होती है। इंतज़ार कितना ही लंबा हो पर आंखें दुखती नहीं है, पलके झपकते झपकते आंखें थकती नहीं है, चाहे रात पूरी कट जाए। इस तरीके की दीवानगी ईश्वर के प्रति अपने अंदर पैदा कीजिए, उसको पाने की ललक पैदा कीजिए। आपके पास टाइम ही नहीं होगा किसी को ये बताने का, ये डींगे हाँकने का कि हम इस लोक में गए या उसमें गए, या भगवान को देखा, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। ये सब यहीं की बातें हैं जो हम आपस में एक दूसरे को बोलते हैं। जिसने सही मायने में उसको देख लिया, समझ लिया, वो बस लग जाता है उसको पाने के कार्य में। अपने आप ही परिवर्तन आता चला जाता है, अपने आप ही समझ आती चली जाती है कि हाँ ये कर्म बुरा है, हाँ ये कर्म सही है। इसको करूँगा तो उससे दूर हो जाऊँगा, इस पाप कर्म को करूँगा तो दूर हो जाऊँगा अपने उस ईश्वर से, इस कर्म को करूँगा तो शायद और नज़दीक पहुँच जाऊँ। इतनी हमारी कॉन्शियस समझदार हो जाती है।
तो मेन चीज़ है, जिनका भी सवाल था कि बहुत लोग ये दावा करते हैं हम ईश्वर से मिले हैं, ईश्वर को देखा है, ईश्वर उनसे आके मिले हैं, चाहे सपनों में चाहे एक्चुअल में आपको ऐसा एहसास हुआ है, पर क्या उस मिलन के बाद आप बदले? मायने वो रखता है। ईश्वर से मिलवाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, ईश्वर के लोग पहुंचाने वाले को बहुत मिल जाएंगे, ईश्वर के लोगों की सैर करा के आपको एक ट्रिप की तरह वापस घर लाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, पर उस ईश्वर को एक झलक देखने के बाद, उस ईश्वर के प्रति जो चाहत है, क्या वो बड़ी कि घटी? क्या आप मानव रूपी उन्हीं नकारात्मकता, उन्हीं इंद्रियों के जाल में अगर अभी भी हो, वही काम क्रोध मद लोभ मोह, वही गुस्सा, वही बदले की भावना, वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही दूसरे का अहित चाहना, अगर अभी भी उन सब में हो, तो ईश्वर पता नहीं आपने पाया है या नहीं, ना जाने किसको देखा है, या मात्र आप इस भ्रम में जी रहे हो कि आपने ईश्वर को तो देख लिया, पर अब आपको एक ये राइट मिल गया कि आप जैसे हो वैसे ही रह सकते हो। जो भी कहते हैं, हमने देखा है, आई रिस्पेक्ट देम, अच्छी बात है, देखा है, भगवान आपको और अपना रूप दिखाए, पर मेन चीज़ जो मैटर करती है कि क्या आप अपने अंदर वो परिवर्तन ला रहे हो कि नहीं। गौर कीजिएगा इस बात पे, तभी आप सही मायने में समझ पाओगे ईश्वर को और उससे होने वाले उस मिलन को, जिसके बाद इंसान इंसान नहीं रहता, आत्मा आत्मा नहीं रहती, बस बदल जाती है। वो कहते हैं ना कि कोई भी आप जानवर ले लो, जो उसकी चाहत होती है, अगर बंदर के फॉर एग्जांपल लेते हैं, बंदर का बच्चा अपनी माँ से कैसे चिपट के रहता है, बिल्कुल छाती से लगा रहता है, छोड़ता नहीं है, वो कितने ऊपर पेड़ पे चढ़ जाए, कहीं चढ़ जाए, वो चाहत उसको बस अपनी माँ के अलावा कुछ नहीं दिखता। इसी तरीके से ईश्वर को वाकई में देख लेने के बाद आपके अंदर वही चाहत उत्पन्न होगी कि मैं बस छोड़ू ना इसे, मुझे तो मिल गया मेरा बनाने वाला, मुझे तो मिल गया, मेरी असली माँ मुझे मिल गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने माँ बाप को छोड़ देना है या अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाना है, आपको अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभानी हैं। बहुत लोग होते हैं जो एक भौतिक जिंदगी नहीं जी पाते, ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनका वाकई में साक्षात्कार ईश्वर से हुआ और उसके बाद वो सामान्य नहीं रह पाते। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई नहीं है, ऐसे बहुत हैं लोग, वो सामान्य नहीं रह पाते, इसलिए सामान्य तौर पे नजर नहीं आते, परिवार छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि शायद ईश्वर को पाने के लिए हमें ये सब छोड़ना होगा। अगर ये सब छोड़ना ही होता तो ईश्वर आपको इस सब में डालते ही क्यों? बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी भौतिक जिंदगी, अपनी बीवी बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, माँ बाप का भी रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, पर अपने आप को इस तरह बना लेते हैं कि सब कुछ होते हुए भी उनकी आसक्ति किसी भी चीज़ में नहीं होती। वो अपने फर्ज को निभाते हैं, अपने परिवार को प्यार देते हैं, अपने पार्टनर को प्यार देते हैं, अपने बच्चों को प्यार देते हैं, मेहनत करते हैं, पर अपने आप को इस तरह बदल देते हैं कि वो ये समझ जाते हैं कि बुरा कर्म क्या है, अच्छा क्या है, पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, किसी का बुरा करने से मैं क्यों कैसे दूर हो जाऊंगा और किसी का अच्छा करने से मैं कैसे पास चला जाऊंगा ईश्वर के। सिर्फ उनका निरंतर दिन इसी तरह कटता है कि वो इतने अच्छे कर्म करते हैं कि उनका विरोधी भी उनकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो हर एक के अपने तरीके हैं उस ईश्वर के प्रति अपनी ज़िंदगी को समर्पित करने के। कुछ होते हैं जो इस युद्ध को लड़ते रहेंगे उसका ध्यान करते हुए, कुछ हैं जो युद्ध से निकल जाएंगे, कुछ हैं जो सिर्फ ये कहते रहेंगे हम युद्ध लड़ रहे हैं, इस जीवन रूपी युद्ध को लड़ रहे हैं, इस जीवन रूपी जंग को लड़ रहे हैं, पर सही मायने में वो ईश्वर से दूर ही दूर है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, चाहे ईश्वर आपको मिले या नहीं मिले, आपने देखा है उनको नहीं देखा, चाहे आपको कोई ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाले हैं या नहीं है, आप कोई भी इंसान पे आपको डिपेंड होने की सही मायने में ज़रूरत नहीं है भगवान को पाने के लिए, ना किसी संस्था की, ना किसी गुरु की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ आपको ज़रूरत है अच्छे कर्मों की, एक अच्छी नीयत की। मात्र ये दो चीज़ें आपको उस तक पहुंचा देंगी। सबसे आसान सीढ़ी है अच्छे कर्म और अच्छी नीयत, कोई फिर उसमें रुकावट नहीं होगी। जिस दिन ये प्रण ले लोगे, अपने आप दिशा दिखती चली जाएगी कि क्या वो रास्ता निकल आएगा उस तक जाने का। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप गौर करेंगे इस बात पे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। और कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगा सकते हैं। ये घर में जलाएंगे, उसी से भूत प्रेत ब्यादा का नाश होना शुरू हो जाएगा। टोने टोटके, ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएंगे, नज़र दोष हाय ख़त्म हो जाएगी। आप सुपर गोल्ड धुनी भी मंगा सकते हैं जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। ये सुपर प्लैटिनम से ज़्यादा पावरफुल है और ये भी नेगेटिविटी को निकालती है और साथ में पॉजिटिविटी को हेविली तौर पे अट्रैक्ट करती है, बहुत तेज़ी से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने का काम करती है, साथ में नेगेटिविटी को निकाल दी जाती है। तो आप कोई सी भी धुनी से शुरुआत कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाके भी धुनी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको हमेशा डर रहता है कोई भी नेगेटिविटी का, तो आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। ये कभी ख़राब नहीं होता, ये पूरी ज़िंदगी आपकी रक्षा करेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।